कैसे हो मैम? रुक जाइए ना, थोड़ा मास्क हटाइए ना। क्या बात है, मैम यहाँ पे थैंक यू मैम, बाय बाय। मैम कैसे हो मैम? रुक जाइए ना, थोड़ा मास्क हटाइए ना। क्या बात है, मैम यहाँ पे थैंक यू मैम, बाय बाय। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी की बेटी ईशा देओल की डाइवोर्स को लेकर काफी चर्चा है और ईशा देओल अपने हस्बैंड भरत तख्तानी से लगभग शादी के 12 साल के बाद डाइवोर्स ले रही हैं। जहां डाइवोर्स किसी भी फैमिली के लिए एक बहुत ही मुश्किल फेज होता है और इस सब से निकलना एक बहुत ही टफ टाइम होता है, वहीं पर हमें किसी न किसी साथ की जरूरत जरूर पड़ती है और ईशा देओल के केस में उनकी मदर हेमा मालिनी उनकी सपोर्ट बनी खड़ी हैं। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि ईशा देओल की डाइवोर्स पर जहाँ बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी और हेमा मालिनी को इसके पीछे बताया जा रहा था कि हेमा मालिनी के कारण उनकी बेटी की डाइवोर्स हो रही है और इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी, लेकिन हेमा मालिनी ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और वो बिल्कुल चुप बैठी रही। ये नहीं कि वो इस बात को सच मानती हैं या वो अपनी बेटी की डाइवोर्स से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि हेमा मालिनी अपनी बेटी को फुली तौर पर सपोर्ट कर रही हैं। ईशा देओल अपना घर छोड़कर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी के घर में आकर रहना स्टार्ट कर दिया है और हेमा मालिनी ना सिर्फ ईशा देओल बल्कि उनकी दोनों बेटियों का भी बहुत ख्याल रख रही हैं। कुछ दिन पहले हेमा मालिनी जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और वो ईशा देओल के कारण ही, उनकी टेंशन लेने के कारण ही ख़राब हुई थी, लेकिन अब वो अपनी डॉटर और अपनी ग्रैंड डॉटर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। और इस तरह से हमने ये भी देखा कि धर्मेंद्र जी ने रिसेंटली अपनी ग्रैंड डॉटर की एक बर्थडे सेलिब्रेशन की पिक्चर लगाई थी जो बहुत ही क्यूट थी और इससे ये भी शो होता है कि पूरी फैमिली ईशा देओल के साथ खड़ी है और उनके इस डिसीजन में उनको सपोर्ट कर रही हैं। ईशा देओल ने जहाँ भरत तख्तानी से शादी के 12 साल के बाद डाइवोर्स ली है, वहीं पर इस सब का कारण भरत तख्तानी है। जी हाँ, भरत तख्तानी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण ये डाइवोर्स होने वाली है और ईशा देओल को उनकी पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है। आप इस सब पर क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।